डॉक्टर मैं शायद हमेशा से ही बनना चाहती थी, क्योंकि मैं कहती हूँ कि जो मेडिसिन है दैट्स नॉट ओनली माय प्रोफेशन, दैट्स माय पैशन। मैंने इंटरनल मेडिसिन में स्पेशलाइजेशन की। मेडिसिन आई थिंक कि एक ऐसी फील्ड है जो कि जान है मेडिकल प्रोफेशन की। दो, हमारी आबादी जिस हिसाब से बढ़ रही है, हमें बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा अस्पताल बनाने की ज़रूरत है ताकि हम अपने हेल्थ स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव कर सकें। हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं और बेसिकली जो मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं वो थोड़ा लैक करती हैं अभी भी रिसर्च में, अगर हम दुनिया से कंपेरिजन करें। देखिए, डेंगी जो है वो एक वायरल डिज़ीज़ है जो मच्छर के काटने से फैलती है। ये आम मच्छर जो आपको नज़र आता है उससे थोड़ा फ़र्क होता है। जो डेंगी वर्ड है वो ब्रेकिंग बोन फीवर से निकला है। ब्रेकिंग बोन फीवर का मतलब है कि इतनी शदीद दर्द होती है जैसे हड्डियों के चटकने की दर्द होती है। सो थ्रू आउट माई स्कूल कॉलेज लाइफ की जर्नी, मुझे अल्लाह ताला का बहुत, आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मुझे ऐसी पोजीशंस के ऊपर काम करने का मौका मिला। ऐसा नहीं है कि आपको वैक्सीन लगने के बाद बीमारी हो ही नहीं सकती, बीमारी होने के चांसेस फिर भी होते हैं, अलबत्त चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं अली रहमान खालिद। आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं वो एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन हैं किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी की। इसके साथ साथ ये बेशुमार कमेटीज़ और ऑर्गेनाइजेशन में बतौर एडमिनिस्ट्रेटर काम कर चुकी हैं। ये डेंगी एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप की चेयरपर्सन भी हैं और कोरोना एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप की मेंबर भी हैं। हम इनसे जानेंगे कि कोविड के हवाले से जो मिथ्स हैं वो कितनी दुरुस्त हैं और कितनी गलत हैं, और डेंगी जो कि आजकल एक बहुत अहम मसला बना हुआ है उसका हल क्या है, उसका इलाज क्या है, और वो कौन से ऐसे प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं जिनको हम ले सकते हैं, छोटे छोटे ऐसे काम जिनको करने से हम डेंगी जैसे मूजी मर्ज से बच सकते हैं। आइए इनसे मुलाकात करते हैं और जानते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सौम्या इक्तदार साहिबा आपकी तशरीफ आवरी का। मैम, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आप मेडिकल फील्ड में कब और कैसे आईं और आपने कैसे इस फील्ड में आके काम शुरू किया। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। आई थिंक ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसका जवाब मेरे दिल के बहुत करीब है। मैं जब क्लास वन का इंटरव्यू देने के लिए स्कूल में दाखिले के लिए पहली दफ़ा गई तो मुझे जो इंटरव्यूअर था उन्होंने पूछा कि आप क्या बनना चाहती हैं बड़े होके। सो मैं बहुत कंफ्यूज थी। मैंने कहा मैं टीचर भी बनना चाहती हूँ और मैं डॉक्टर भी बनना चाहती हूँ। तो अल्लाह ताला ने फिर मौका दिया कि डॉक्टर भी बनी, और फिर क्योंकि आगे फैकल्टी पोजीशन में आई तो मेडिकल स्टूडेंट्स की टीचिंग का भी मौका मिला, तो मेरी दोनों ख्वाहिशें पूरी हो गईं। डॉक्टर मैं शायद हमेशा से ही बनना चाहती थी क्योंकि मैं कहती हूँ कि जो मेडिसिन है दैट्स नॉट ओनली माय प्रोफेशन, दैट्स माय पैशन। सो आई थिंक ये आपके अंदर होता है कुछ कि आपने खिदमत खल्क के लिए कुछ काम करना है, और आई थिंक मसीहाई जो डॉक्टरी है वो बेहतरीन पेशा है जिससे आप किसी की मदद कर सकते हैं, किसी की जान बचाने में मददगार साबित हो सकते हैं। सो आई थिंक दिस वॉज द रीज़न। शुरू से ही एकेडमिकली भी अच्छी थी, मेहनत भी की तो पसंद था, इसलिए डॉक्टर बनी। मैम, आपने आगे स्पेशलाइजेशन किस फील्ड में की? मैंने इंटरनल मेडिसिन में स्पेशलाइजेशन की। जो मेडिसिन है अब आपको पता है बहुत वास्ट हो गई है, उसकी बहुत स्पेशलिटीज़ भी आ गई हैं। गुर्दे का अलहदा डॉक्टर है, दिल का अलहदा डॉक्टर है, जिगर का अलहदा डॉक्टर है, लेकिन जो इंटरनल मेडिसिन या जनरल मेडिसिन की फील्ड होती है वो एक ऐसी डिग्री है जो इन सबको कवर करती है। इसे मैं हमेशा कहती हूँ कि ये मदर ऑफ मेडिसिन है। तो इसके अंदर तमाम जो ओवरऑल हेल्थ होती है इंसान की, जिसमें आपके दिल की बीमारियां भी हैं, आपकी खून की कमी के मसले, शुगर, ब्लड प्रेशर, गुर्दे, जिगर, दिल, सांस की तकलीफ, सब चीज़ों का इलाज सिखाया जाता है। सो 5 ईयर्स की डिग्री, आपकी इतनी लंबी पढ़ाई, आप पहले MBBS तो करते ही हैं, उसके बाद फिर स्पेशलाइजेशन की डिग्री करते हैं। मेडिसिन आई थिंक कि एक ऐसी फील्ड है जो कि जान है मेडिकल प्रोफेशन की, और एक ओवरऑल जो पेशेंट की असेसमेंट और ट्रीटमेंट होता है वो बेहतरीन एक फिजिशियन कर सकता है। सो ये भी मैंने अपनी चॉइस से ली और इंटरनल मेडिसिन का शोबा इख्तियार किया। मैम, मुझे ये बताइएगा कि अगर हम करंट सिचुएशन की बात करें तो इस वक्त मेडिकल फील्ड के सबसे बड़े चैलेंजेस क्या हैं?
अगर आप एज ए स्टूडेंट या नए आने वाले डॉक्टर्स के हवाले से पूछ रहे हैं तो आई थिंक कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। दो, हमारी आबादी जिस हिसाब से बढ़ रही है, हमें बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा अस्पताल बनाने की ज़रूरत है ताकि हम अपने हेल्थ स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव कर सकें, लेकिन उस लिहाज से, उस प्रोपोर्शन से हमारे पास अच्छे मेडिकल डॉक्टर्स नहीं हैं। मेडिकल कॉलेजेस तो बहुत बने, सीटें तो बहुत बढ़ी, लेकिन बहुत सारे लोग इनमें से जो हैं वो पाकिस्तान छोड़ के चले जाते हैं। और एक बड़ा मसला हमारा ब्रेन ड्रेन का है, और उसकी बड़ी वजह ये है कि मेडिकल का प्रोफेशन इतना पेइंग नहीं है। आप अगर दुनिया में देखें तो जो मेडिसिन और लॉ है वो सबसे हाईली पेड जॉब्स होती हैं, लेकिन अगर आप पाकिस्तान में देखें तो अगर वो बच्चे सेकेंड जॉब ना कर रहे हों पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनीज़, तो वो कहते हैं हमारा गुजारा नहीं होता। इसके अलावा डॉक्टर्स की तनख्वाहों के अलावा उनके ऊपर इतनी ज़्यादा जिम्मेदारियाँ होती हैं। एक तो उन्होंने क्लिनिकल वर्क करना होता है, उसके साथ एडमिनिस्ट्रेटिव, उसके बाद फैकल्टी टीचिंग, फिर रिसर्च, फिर स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग। सो ये तो पूरे दिन की जॉब है, उसके हवाले से अगर उनका पे स्ट्रक्चर देखा जाए तो वो बहुत ही गैर मुनासिब है। सो आई थिंक तो बहुत बड़ा चैलेंज तो ये है कि जितने भी अच्छे लोग होते हैं वो एक बेहतर रोज़गार की तलाश में मुल्क छोड़ के चले जाते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा हमारा एकेडमिक लॉस होता है। बहुत सारे जो ब्रेनी लोग होते हैं वो कभी पाकिस्तान में काम ही नहीं करते। मेडिकल स्टूडेंट्स जो टॉप करते हैं वो तभी एग्ज़ाम के फाइनल ईयर के एग्ज़ाम के बाद हाउस जॉब भी नहीं करते, वो अपने अमेरिका और प्लैब के एग्ज़ाम्स दे के बाहर चले जाते हैं। तो आई थिंक ये बहुत बड़ा चैलेंज है। फिर कुछ चैलेंजेस जो हैं वो हमारे डिस्ट्रिक्ट्स के लेवल पे हैं, जो कि BHUs और RHC के काम करने के हैं। वहाँ पे सहूलियात या मेडिकल सेंटर्स, जो हमारी हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, वो इस स्टैंडर्ड की नहीं है कि वहाँ पर कोई काम अच्छे तरीके से कर सके। उनको आई थिंक बहुत ज़्यादा अपलिफ्ट करने की ज़रूरत है, कंफर्टेबल बनाने की ज़रूरत है, डॉक्टर्स के लिए भी और पेशेंट्स के लिए भी। सो ये कुछ चैलेंजेस हैं जो मेडिकल फील्ड में हैं। और तीसरा बड़ा चैलेंज जो मुझे इंटरनेशनल सिनेरियो में लगता है वो रिसर्च का है। आप अगर दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज़ को, स्पेशली मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ को रैंक करते हैं, तो सबसे बड़ा किरदार उसमें रिसर्च और इनोवेशन का होता है कि वो क्या नई बातें मेडिकल फील्ड के, क्या अपडेट्स लेके आए, क्या उन्होंने नए तजर्बात किए, क्लिनिकल ट्रायल्स किए, जिससे लोगों को, आइंदा नस्लों को मेडिकल फील्ड में फ़ायदा होगा। क्योंकि आपको पता है एक दरियाफ्त होती है, फिर उसी पर दवाई बनती है, और उसी के आगे फिर इस्तेमाल से पता चलता है कि उसके क्या फ़ायदे हैं। सो हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं और बेसिकली जो मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो थोड़ा लैक करती हैं अभी भी रिसर्च में, अगर हम दुनिया से कंपैरिजन करें। और उसकी वजह भी शायद यही है कि हमारे पास पढ़ाई का इतना बर्डन और इतना चीज़ होती है कि रिसर्च के कंपोनेंट को इग्नोर कर दिया जाता है। दुनिया भर में रिसर्च फैकल्टी एक अलहदा होती है, उनको रिसर्च पोजिशंस पर रखा जाता है, एक डिपार्टमेंट होता है मेडिकल रिसर्च का जिसके अंदर लोग एनरोल होते हैं, और वो पेड जॉब्स होती हैं। यहाँ पर जो रिसर्च करता है वो अपने शौक से रिसर्च करता है, और रिसर्च इज़ नॉट एन ईजी जॉब। उसके लिए आपको फंडिंग भी चाहिए, उसके लिए आपको सेटअप भी चाहिए, आपको इंस्टीट्यूशन भी चाहिए, आपको टाइम भी चाहिए, और फिर आपको एक्सेस भी चाहिए पेशेंट्स का डाटा लेने के लिए ताकि उसको कॉन्फिडेंशियलिटी से मेंटेन कर सके। तो ये बड़ा चैलेंजिंग एनवायरनमेंट है, लेकिन आई थिंक जब तक हम रिसर्च के अंदर एक्सेल नहीं करेंगे तो मेडिकल फील्ड में हम एक्सेल नहीं कर सकते हैं। मैम, आजकल न्यूज़ में भी ये जो डेंगू है ये बहुत ज़्यादा कॉमन है और बहुत सारे लोगों को हो भी रहा है। मैं चाहता हूँ कि आप इस पर थोड़ा सा बताएं, इसकी कॉजेज़ क्या हैं, सिम्टम्स क्या हैं, और इसकी रेमेडी और ट्रीटमेंट क्या है। देखिए, डेंगू जो है वो एक वायरल डिज़ीज़ है जो मच्छर के काटने से फैलती है। डेंगू बुखार मच्छर एक स्पेसिफिक है, जिसे हम एडीज़ वेराइटी का मॉस्किटो कहते हैं। ये आम मच्छर जो आपको नज़र आता है उससे थोड़ा फ़र्क होता है, इस पर सफ़ेद धारियाँ या स्पॉट्स होते हैं, इसे हम एशियन टाइगर मॉस्किटो भी कहते हैं। और इस मॉस्किटो की ख़ास बात यह है कि ये साफ़ पानी का मच्छर है, तो जो क्लीन वाटर होता है इस पे ये इसकी अफजाइश होती है। तो आपके इर्द गिर्द जो बारिश का पानी है, या आपने अगर पानी कहीं स्टोर किया हुआ है, या पानी कहीं कूलर में जमा है, या आपने गुलदान में फूल लगाए हैं उसमें पानी है, ये उन जगहों पे जाकर अपने अंडे देता है और वहाँ से और मच्छर बनते हैं। सो हमने इर्द गिर्द जहाँ जहाँ भी वाटर के रिजर्वॉयर्स छोड़े हुए हैं वो तमाम मच्छरों की हमाजगा हैं, और उनकी अफजाइश का बायस बनते हैं, और फिर मच्छर बीमारी फैलाने का बायस बनते हैं। इस बीमारी के अंदर तेज़ बुखार होता है, 104-105 डिग्री का फीवर होता है, और सीवियर बॉडी एक्स एंड पेन्स होती हैं।
जो डेंगी वर्ड है वो ब्रेकिंग बोन फीवर से निकला है. ब्रेकिंग बोन फीवर का मतलब है कि इतनी शदीद दर्द होती है जैसे हड्डियों के चटकने की दर्द होती है. सो आपको मरीज़ बताएगा कि मुझे पहले भी बुखार हुए हैं लेकिन इस बुखार में शदीद जिस्म में दर्दें हैं, आँखों के पीछे दर्द, सर में दर्द, पट्ठों में दर्द, कमर में दर्द, जोड़ों में दर्द, ये इसका हॉलमार्क है. इसके अलावा जिस्म पे रेडनेस या रैश डेवलप हो सकता है, जिस्म के किसी हिस्से से खून आ सकता है जिससे लोग बहुत घबरा जाते हैं, दांतों से, नाक से, उल्टी के ज़रिए खून आ सकता है. कई दफ़ा मरीज़ को उल्टी, मतली की कैफियत और पेट में दर्द भी होता है जो कि एक डेंजरस साइन होता है और वो सीवियर फॉर्म ऑफ डेंगी को शो करता है. सो ये एक ऐसी बीमारी है जो प्रिवेंटेबल है. प्रिवेंटेबल किस तरह है कि हम इसके लिए एहतियात कर लें. एक तो मच्छरों की अफसाइश को रोकें, दूसरा मच्छरों की बाइट को ब्लॉक करें, फुल आस्तीन के कपड़े पहने, शॉर्ट्स ना पहने, बाहर निकलते हुए मॉस्किटो रिपेलेंट्स का इस्तेमाल करें, अगर आउटडोर सेटिंग में सो रहे हैं तो मच्छरदानी का इस्तेमाल करें, इनडोर हैं तो खिड़कियों को बंद रखें ताकि जालियाँ लगी हों उन पे, उसके अलावा कॉयल और मैट का इस्तेमाल करें ताकि मच्छर के काटने को बचा सकें. और तीसरा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि अगर आपको अलामत आ रही हैं तो फ़ौरन हॉस्पिटल में रिपोर्ट करें ताकि आपको जाँचा जा सके, क्योंकि अगर आप इन्फेक्टेड हैं और कोई मच्छर आपको काट के किसी और को काटेगा तो आप बीमारी फैलाने का बायस बनेंगे. सो आपको सिस्टम में रिपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपकी तशखीस भी हो सके, आपका इलाज भी हो सके, क्योंकि मैंने जैसे बताया इसकी एक सीवियर फॉर्म भी है जिसके अंदर पेशेंट की हालत जो है वो ब्लड प्रेशर कम होने लग जाता है, जिसमें से खून आना शुरू हो जाता है, जिसे हम डेंगी हेमरेजिक फीवर कहते हैं. और अगर इसका बरवक्त इलाज ना किया जाए तो ये ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर लेती है. मैम, आपने बेशुमार इदारों में, ऑर्गेनाइजेशंस में एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट्स पे भी काम किया, मुझे ये बताइएगा उस दौरान आपका विज़न क्या था और आपकी कोशिश क्या थी किस तरह से चीज़ों को बेहतर किया जा सके? अच्छा, देखिए जो बड़ी पोस्ट की बात है वो तो हम करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट बहुत छोटी उम्र से ही शुरू हो जाती हैं. जब आप क्लास का मॉनिटर या कैप्टन बनते हैं अपने हाउस का, तब भी आप एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे होते हैं. सो थ्रू आउट माई स्कूल कॉलेज लाइफ की जर्नी, मुझे अल्लाह ताला का बहुत, आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मुझे ऐसी पोजीशंस के ऊपर काम करने का मौका मिला जहाँ मैं एक टीम वर्क और एक टीम इस्टेब्लिश करके आगे लेके चल सकती थी. कॉलेज स्कूल से निकले तो फिर हम इदारों में जब शामिल हुए तो किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में पहले अपने वार्ड की रजिस्ट्रार बनी. उस ज़माने में मेडिसिन की फील्ड में बहुत ही इक्का दुक्का लड़कियां होती थी, ये एक मेल डोमिनेंट फील्ड थी, और पहली फीमेल रजिस्ट्रार बनी तो लोग बड़े परेशान थे कि रजिस्ट्रार का बड़ा होल्ड होना चाहिए तो ये लड़कों को, इतने सारे लड़कों की फ़ौज को कैसे संभालेगी. लेकिन अल्लाह का शुक्र है मेरे सीनियर्स भी बहुत कोऑपरेटिव थे, टीम बहुत अच्छी थी और बहुत अच्छा दौर गुजरा. उसके बाद फिर जब अपनी फैकल्टी पोजीशन में गई तो फिर बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ों को देखना पड़ता, वार्ड के मसाइल, फिर पोस्ट ग्रेजुएट रेजिडेंट्स के, फिर बहुत सारी कमेटीज़ का गवर्नमेंट की हेल्थ से रिलेटेड हिस्सा रही, उसमें इनपुट देने का मौका मिला. फिर जब डेंगी आया तो 2011 से ही मैं डेंगी की एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप से मुंसलिक थी. गवर्नमेंट की तरफ से मुझे बाहर भी भेजा गया जिसमें मैं ट्रेनिंग की श्रीलंका में, थाईलैंड में और देन सिंगापुर में, और फिर उन्होंने मुझे अपना ट्रेनर बना लिया तो मैं उन ममालिक में भी ट्रेनिंग देती रही फर्दर डॉक्टर्स को एशिया पैसिफिक रीजन के. बहुत अच्छा लगता है मुख्तलिफ लोगों से इंटरेक्ट करना, उनकी चीज़ों को सुनना, उनको लेके चलना, उनको ग्रुप्स में, टीम्स में डेवलप करना, उनके आइडियाज़ को लेके आगे बढ़ना और उसके ऊपर कोई प्रोजेक्ट बिल्ड करना. सो इट्स अ वेरी वेरी रिवॉर्डिंग थिंग क्योंकि आप किसी की इनपुट के साथ एक नई चीज़ डेवलप कर रहे होते हैं. बेहतरीन शायद एडमिनिस्ट्रेटिव का मौका मुझे तब मिला जब मैंने पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ इंटरनल मेडिसिन की बुनियाद रखी. पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ इंटरनल मेडिसिन पाकिस्तान के फिजिशियंस की नुमाइंदा जमात है और मेरा हमेशा से ख्वाब था कि मैं एक ऐसी सोसाइटी बनाऊं जो इंटरनल मेडिसिन की सोसाइटी हो. मैंने बहुत देखा कि ऑर्थोपेडिक्स की भी सोसाइटी है और डर्मेटोलॉजी की भी है और एंडोक्राइनोलॉजी की भी है, कार्डियोलॉजी भी है, लेकिन मुझे लगता था हमेशा कि जो इन सब की माँ है, मदर इलनेस, जो अम्ब्रेला है मेडिसिन, इसके नीचे ये सब स्पेशलिटीज़ हैं, उसकी कोई सोसाइटी ही नहीं है. और फिजिशियंस जो हैं वो तो बहुत सीनियर पोजिशंस के ऊपर काम कर रहे थे लेकिन उनमें से किसी को शायद कभी इतना टाइम नहीं मिला कि वो इसमें इन्वेस्ट कर सकता. तो मैं ये आइडिया लेके मैंने बहुत सारे लोगों से डिस्कस किया. इट एक्चुअली स्टार्टेड इन अ वेरी इंटरेस्टिंग वे. फेसबुक के ऊपर मैंने एक स्टेटस लगाया कि व्हाई नॉट अ सोसाइटी ऑफ इंटरनल मेडिसिन एंड फिजिशियंस. तो इतना अच्छा रिस्पांस आया, मेरा सोशल सर्कल अच्छा है, आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मेरे बहुत अच्छे लोग मेरे जानने वाले लोगों में हैं, कोलीग्स हैं, फ्रेंड्स में हैं, तो उन सब ने बहुत अप्रिशिएट किया, नॉट ओनली इन पाकिस्तान बट अब्रॉड एज वेल, और सब ने इसको अप्रिशिएट किया और उन्होंने कहा कि तुम इनिशिएटिव लो, तुम करो.
आप काम बहुत बड़ा था, क्योंकि आपको पता है कि ऑल ओवर द पाकिस्तान फिजिशियंस को इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन लोगों ने जब इनक्रेज किया तो हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप फॉर्म किया, और उस व्हाट्सएप ग्रुप पे लोगों ने इतनी रैपिडली ज्वाइन किया कि विद इन 24 आवर्स मेरे पास जगह ही नहीं थी कि मैं किसी और को ऐड कर सकूँ। यहाँ से हमने इनिशिएटिव लिया, और फिर हमने सोचा कि डॉक्टर जावेद अकरम आपके प्रोग्राम में आई एम श्योर आए भी थे, बहुत ही डायनामिक हैं, बड़े विजनरी हैं, वो फिजिशियंस के लीडर हैं हम उन्हें कहते हैं, और बहुत अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं उनकी, आइडियाज़ को फ्लरिश करते हैं, लोगों के आइडियाज़ को पॉलिश करते हैं और उनको बढ़ा के एक अपस्केल कर देते हैं। तो मैं उनके पास गई, लोगों ने कहा कि वो बेहतरीन शख्स हैं, मेरे उस्ताद भी हैं, मैं उनकी रजिस्ट्रार भी रही हूँ। तो मैंने कहा कि सर, उससे पहले वो इस्लामाबाद होते थे, वो भी नए नए लाहौर ही आए थे, तो मैंने कहा कि सर ये आइडिया है, तो सर ने कहा हाँ ठीक है। सर ने तो कभी किसी चीज़ को ना नहीं करनी, वो कहते हैं हर काम को हाँ करो और लेके चलो। सो हमने उसको शुरू किया, और फिर माशाल्लाह अल्लाह ताला ने इतनी कामयाबी दी कि 20 से ज़्यादा शहरों में हमारे चैप्टर्स हैं, 5 ओवरसीज़ हमारे चैप्टर हैं, हज़ारों की तादाद में हमारे मेम्बर्स हैं, बहुत सक्सेसफुल हम नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की कॉन्फ्रेंसेस कर चुके हैं, और बहुत फास्टली ग्रोइंग और मोस्ट एक्नॉलेज्ड जो सोसाइटी है इस वक्त पाकिस्तान में मेडिकल प्रोफेशन में, उसके तौर पर पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ इंटरनल मेडिसिन हमारे सामने आई। मैम मुझे ये बताइएगा कि कोविड के हवाले से आवाम में बड़ी एक तजब्जुब का शिकार है, आवाम वो समझती है कि हमने वैक्सीनेशन करवा ली है तो अब ये नहीं होगा, क्या वैक्सीनेशन के बाद भी मास्क और वो जो रेमेडीज़ हैं उनकी ज़रूरत है या नहीं है? मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा इसको अवामी नुक्ता नज़र पर आके एक्सप्लेन करें। बहुत ही अच्छा सवाल है वो, इसलिए क्योंकि आवाम की आगाही मुझे लगता है हमारा फ़र्ज़ है। अगर हमारे पास कोई नॉलेज है और हम उसको सही तरीके से अगले तक पहुँचा दें तो ये एक सदका जारिया होता है। सो कोविड-19 की जो बीमारी है वो आपको पता है एक रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, जो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के थ्रू फैलती है, मेरे बोलने से, छींकने से, खांसने से अगर मैं इन्फेक्टेड हूँ तो ये वायरस दूसरे बंदे तक ट्रांसमिट होता है। वैक्सीन्स जो हैं वो बहुत बेहतरीन लाया अमल है बीमारी को कंट्रोल करने का, लेकिन कोई भी वैक्सीन 100% इफ़ेक्टिव नहीं होती। ऐसा नहीं है कि आपको वैक्सीन लगने के बाद बीमारी हो ही नहीं सकती, बीमारी होने के चांसेस फिर भी होते हैं, अलबत्ता चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और अगर बीमारी नहीं भी है तो आप बीमारी के कैरियर तो हो सकते हैं, हो सकता है आपको बीमारी ना हो लेकिन आप वो वायरस किसी और को ट्रांसफ़र कर रहे हो वैक्सीनेशन के बाद भी। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये साइलेंट भी होती है ना, एसिम्प्टोमेटिक भी होती है, कोई अलामत ही नहीं आई, आपको पता ही नहीं है आप इन्फेक्टेड हैं लेकिन आप वायरस को शेड कर रहे हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सब लोग वैक्सीनेशन की दोनों डोजेज लगवाएं, एक तो पहली बात, क्योंकि सिंगल डोज के ऊपर फुल प्रोटेक्शन नहीं आती, दोनों डोजेज के बाद ही बॉडी में कुव्वत मुदाफ़त का निज़ाम इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि वो वायरस को फाइट ऑफ कर सके। दूसरा, उसके बाद भी एहतियाती तदाबीर लाजमी अपनाई हैं, जिसमें एक सोशल डिस्टेंस सेफ मेंटेन करना है, मास्क का इस्तेमाल करना है, हाथों को बार बार धोना है, बिला वजह अपनी आँखों, हाथ और मुँह नाक को छूने से गुरेज करना है, और क्राउडेड प्लेसेस को अवॉइड करना है, बेवजह बेज़रूरत लोगों से आजकल के मौसम में ना मिलें, क्योंकि आप खुदा ना खास्ता किसी की बीमारी का जरिया ना बन जाए। मैम आप डेंगू एडवाइजरी ग्रुप की चेयरपर्सन भी हैं, वो करता क्या है? देखिए, जो डेंगू एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप है ये 2012 में फॉर्म हुआ, 2011 में आपको याद होगा लाहौर में एक बहुत बड़ा डेंगू का एपिडेमिक आया था, उस वक्त डिज़ीज़ हमारे लिए न्यू थी, डॉक्टर्स को भी इसकी समझ नहीं थी, हुकूमती इदारे भी परेशान थे, अनप्रिपेयर्ड एनिमी था जिसने अटैक किया था और हमें कुछ समझ नहीं आ रही थी। तो फिर गवर्नमेंट ने हमें ट्रेन किया एज़ अ मास्टर ट्रेनर, और फिर तब से हम डेंगू एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप के साथ मुंसलिक हैं। पहले मैं इसकी सेक्रेटरी थी और प्रोफेसर फैसल मसूद वॉज़ अ बिग नेम इन मेडिकल प्रोफेशन, वो उसको चेयर करते थे। We lost him 2 years ago और उनकी वफ़ात के बाद ये जिम्मेदारी मेरे सर पे आई। तो हम गाइडलाइंस डेवलप करते हैं डॉक्टर्स की ट्रेनिंग के लिए, दुनिया भर की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं मेडिकल फील्ड की डेंगू बुखार के हवाले से, उसको इनकॉर्पोरेट करते हैं अपने सिस्टम के अंदर कि किस तरह हम लोगों की जान बचा सकते हैं, और ये बहुत यूज़फुल भी साबित हुई है। अगर मैं आपको पुराने फिगर्स याद करूँ तो 350 से ज़्यादा अमवात हुई थी 2011 में डेंगू को लेके, लेकिन सब्सिक्वेंट ईयर्स में डॉक्टर्स की ट्रेनिंग और बेहतरीन हॉस्पिटल्स के इंतजामात की वजह से और पॉलिसी मेकर्स की सपोर्ट और पॉलिटिकल सपोर्ट की वजह से दिन ब दिन डेंगू जो है वो कम भी होता गया, और फिर सबसे इंपॉर्टेंट फिगर ये होता है कि आपने शरह अमवात को कंट्रोल कर लिया। सो वो जो एक पैनिक की सिचुएशन के साथ हम
शुरू हुए थे डेंगू के सफ़र में, वो अब बहुत हद तक लोग जो हैं उसको जानते हैं कि इसका इलाज मौजूद है और बरवक्त इलाज से मरीज़ की जान बचाई जा सकती है। सो थ्रू डेंगू एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप हम एक तो गाइडलाइंस डेवलप करते हैं ट्रीटमेंट की, डॉक्टर्स की मुल्क भर में ट्रेनिंग करते हैं कि किस तरह अपने डेंगू के पेशेंट्स को डील करना है, और इसके अलावा जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनके लिए हमारा एडवाइजरी रोल होता है कि किस वक्त क्या मेजर्स लें जो हम बेहतर तौर पर इसको टैकल कर सकें। मैम, आप कोरोना एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप की भी मेंबर हैं, ये क्या एडवाइजरी ग्रुप किस किस तरह से काम कर रहा है, क्या क्या सर्विसेज दे रहा है? कोरोना जब पाकिस्तान में अभी नहीं भी आया था, इट वाज अर्ली फरवरी जब हमारी हेल्थ मिनिस्टर ने ये इनिशिएटिव लिया कि उन्होंने एक टेक्निकल वर्किंग ग्रुप ऑफ कोरोना बनाया, और मुझे याद है कि हमने पहली मीटिंग जो है वो पाकिस्तान में पहला केस आने से पहले इसकी प्रिपेयर्डनेस के लिए की थी। उसके बाद से हमने वो डेवलप किया कि किस तरह अगर ये बीमारी पाकिस्तान में, जो कि एक्सपेक्टेड था कि आ जाएगी क्योंकि ये ग्लोबली फैल गई थी और पेंडेमिक की शक्ल इख्तियार कर गई थी, आई तो हमने कैसे अपस्केल करना है अपनी चीज़ों को। सो हमने प्लान्स बनाए कि हॉस्पिटल्स में बेड कैपेसिटी कैसे दी जाएगी, किन पेशेंट्स को ऑक्सीजन की ज़रूरत है, उनके कितने बेड्स होने हैं, वेंटिलेटर्स की क्या रिक्वायरमेंट है। फिर मैंने हेल्प की डेवलप करने में गाइडलाइंस, उसी तरह जैसे डेंगू की मैंने आपसे बात की कि उसकी गाइडलाइंस भी मौजूद नहीं थी, नई बीमारी थी, तो कोरोना भी एक नई बीमारी थी, तो उसकी गाइडलाइंस डेवलप की। फिर फिजिशियंस को ट्रेन करने का मसला था, सो डिस्ट्रिक्ट्स में सारे जाके ट्रेनिंग सेशंस कराए ताकि लोगों को बताए ये क्या बीमारी है, किस स्टेज पे क्या ट्रीटमेंट देना है, क्या चीज़ें काम करती हैं, क्या चीज़ें काम नहीं करती हैं। और इसके अलावा कोरोना एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप डेली का जो डेटा है उसको एनालाइज करती है कि कहाँ बीमारी फैल रही है, कहाँ बीमारी कंट्रोल करने के लिए हम क्या मेजर्स और स्टेप्स लें। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो हम डेली बेसिस पे एनालाइज कर रहे होते हैं और फिर वीकली मीटिंग के अंदर उसको असेस करते हैं और उस पर रिकमेंडेशंस देते हैं। मैम, कासिम अली शाह साहब की फाउंडेशन है, उनका काम है, उनकी ज़ात को, उनकी शख्सियत को और उनके काम को आप कैसे देखती हैं? देखिए, कासिम अली शाह साहब फाउंडेशन तो फाउंडेशन भी अब उन्होंने बनाई, वो ख़ुद एक बहुत बड़ी सेंसेशन थे। जो उनका बोलने का तरीका है, जैसी मोटिवेशनल टॉक्स वो देते हैं, बहुत इम्प्रेसिव है। और जो आपका मोटो है कि सोच बदलेगी तो पाकिस्तान बदलेगा, तो इस सोच को बदलने में जो इनका किरदार है वो आई थिंक एक काबिले तहसीन है। बहुत सारे लोग उन्हें फॉलो करते हैं और हर जनरेशन के लोग उन्हें फॉलो करते हैं, बच्चे, यंगस्टर्स, ख़वातीन, बूढ़े लोग उनको बैठ के घंटों सुनते हैं। और आई थिंक कि अगर आपकी बात में इतना असर है कि आप किसी को कोई अच्छी बात के लिए कन्विंस कर सकते हैं, तो इससे बड़ा अल्लाह ताला का करम आप पे क्या हो सकता है कि अल्लाह ने आपको वसीला बनाया है अच्छाई और भलाई और बेहतर सोच आगे फैलाने का। तो आई थिंक इट इज़ डूइंग अ कमेंडेबल जॉब। और ये जो अब आपने नया फोरम शुरू किया है जिसमें आप लोगों की जर्नीज भी लोगों से शेयर करते हैं और मुख्तलिफ सोशल टॉपिक्स के ऊपर गुफ्तगू करते हैं, इशूज़ को हाईलाइट करते हैं, आई थिंक इट्स अ वेरी वंडरफुल इनिशिएटिव एंड आई कॉन्ग्रेचुलेट ऑल ऑफ यू ऑन दिस वंडरफुल अचीवमेंट। थैंक यू सो मच डॉक्टर सौम्या इक्तदार साहिबा, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि मेडिकल फील्ड के डिफरेंट टॉपिक्स के हवाले से जो लोग इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं उनके लिए इंटरव्यू इंतहाई मुफीद साबित होगा। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।